कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। योगी सरकार को सोमवार तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। कहा, सांकेतिक कांवड़ यात्रा पर फिर से विचार करे यूपी सरकार। जीने का अधिकार सबसे ऊपर। कोरोना पर पीएम मोदी की 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ की चर्चा। मीटिंग में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पंजाब कांग्रेस का अंतर कलह। सोनिया गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बैठक। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी बैठक में हुए शामिल। कहा, पंजाब पर अभी नहीं हुआ कोई फैसला। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। लखनऊ में कार्य समिति की बैठक शुरू। 2022 की जीत का रोड मैप होगा तैयार। तालिबान के समर्थन में खुलकर आया पाकिस्तान। स्पिन बोल्टर क्षेत्र में अफगान सेना को कार्रवाई की चेतावनी। कहा, तालिबान को हटाने के किसी भी कदम के खिलाफ होगी जवाबी कार्रवाई। राजस्थान विधानसभा में कोरोना पर एक दिवसीय सेमिनार। बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, कोरोना ने देशों की सीमाएं नहीं देखी है। आज दो विषय हैं, एक महामारी और दूसरा लोकतंत्र। जोधपुर जिले के विकास की लिखी जा रही नई इबारत। सीएम अशोक गहलोत आज देंगे जोधपुर को सौगातें। विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास। श्रीनगर कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। गरला गांव में हादसे के शिकार बच्चों के पीड़ित परिवारों से मिले बिरला। आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी 4 बच्चों की मौत। भारी बारिश से बेहाल मुंबई, सायन और कुर्ला समेत कई इलाकों में जलभराव। यातायात भी हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने हाई टाइड की जारी की चेतावनी। और इंग्लैंड दौरे पर ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव। रिद्धिमान साहा को भी भेजा गया आइसोलेशन में। अतिरिक्त विकेटकीपर नहीं होने के बावजूद बीसीसीआई ने किसी नए खिलाड़ी को इंग्लैंड भेजने से किया इनकार।